दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाकर विराट कोहली ने रच दिया इतिहास, तोड़ डाले कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो काम कर दिया जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। तो विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने के बाद कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं, कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नॉकआउट्स मुकाबले में विराट कोहली का वो कौन सा चमत्कार है और इस पर सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, रिकी पोंटिंग, एबी डिविलियर्स समेत युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के बारबाडोस में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चुना था। टीम इंडिया को शुरुआत में ही तगड़े झटके लगने शुरू हो गए। रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए, पंत 0 रन बनाकर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव तो 3 रन बनाकर चलते बने, लेकिन वहां पर खड़े थे विराट कोहली जिनका बल्ला अब तक पूरे वर्ल्ड कप में खामोश था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े प्लेयर बड़े मैच के खिलाड़ी होते हैं और उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। 59 गेंदों में उन्होंने 76 रन की पारी खेली, 6 चौके 2 छक्के लगाए। विराट कोहली की लाजवाब पारी के दम पर ही टीम इंडिया ने 176 रन खड़े किए। विराट कोहली ने महान पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए तो कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भी दिए। T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। जी हां, सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के नाम। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के नाम। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा 50s भी विराट कोहली के नाम ही है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज भी विराट कोहली के नाम ही है। और तो और, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज भी विराट कोहली के ही नाम है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट रहता है 145 का नॉकआउट्स मुकाबले में और एवरेज सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, 93.25। 2014 के सेमीफाइनल मुकाबले में विराट ने 72 रन बनाए, 2014 के फाइनल मुकाबले में विराट ने 77 रन बनाए, 2016 के सेमीफाइनल में विराट ने 89 रन बनाए, 2022 के सेमीफाइनल में विराट कोहली ने 50 रन बनाए, 2024 के फाइनल में विराट कोहली ने 78 रन पारी खेलकर लगभग टीम इंडिया को जीत दिला ही दी। अब विराट कोहली की इस महान पारी को दुनिया भर के दिग्गजों ने सलाम ठोका है। आपको बता दें, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा, ये एक महान पारी है, विराट जैसा महान बल्लेबाज न तो हुआ है और न ही होगा। विराट को पता है कि कब क्या करना होता है। फाइनल्स मुकाबले में तो मेरा भी बल्ला खामोश रहता था, लेकिन विराट का बल्ला हमेशा चलता है। तुमने दिल जीत लिया विराट। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बाद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी विराट कोहली की जमकर तारीफ की। आपको बता दें, क्रिस गेल विराट कोहली के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, मैंने पूरा मैच देखा, मैंने विराट की पारी देखी और मैंने उनका रिकॉर्ड भी देखा। कमाल कर दिया भाई, तुम एक लीजेंड हो, तुम्हें दिल से सलाम है। इतने सारे नॉकआउट्स में इतने सारे रन बना देना, ये सच में एक महान बल्लेबाज ही काम कर सकता है। विराट, आपको ढेरों सारी बधाइयां, आप ऐसे ही अपनी टीम को जीत दिलाते रहो। दोस्तों, क्रिस गेल के बाद बड़ा बयान दिया है भारत के महान बल्लेबाजों में से एक रहे गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा, विराट एक लेजेंड है और जिस तरीके से उन्होंने एक महान पारी खेली है, सच में उन्होंने दिल जीत लिया। मुझे पता था, मुझे उनकी फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे पता था कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और बड़े मैच में परफॉर्म करेंगे। वेल डन टीम इंडिया, आपने कमाल करके दिखा दिया, विराट आप लाजवाब हो। दोस्तों, गौतम गंभीर के बाद बड़ा बयान दिया है विराट कोहली के बहुत अच्छे दोस्त माने जाने वाले एबी डिविलियर्स ने। उन्होंने कहा, एक तरफ तो मेरा दिल टूट गया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट ने लाजवाब पारी खेली, पर मैं अपने दोस्त अपने भाई विराट के लिए बहुत खुश हूं। उन्होंने क्या खेल दिखाया है, मैं तो हैरान रह गया। फाइनल मुकाबले में एक ऐसी पारी, सच में महान पारी। मुश्किल विकेट पर उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, द लेजेंड विराट। दोस्तों, एबी डिविलियर्स के बाद युवराज सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, विराट ये अद्भुत पारी थी, मेरे भाई तुमने कमाल करके दिखा दिया। वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में तुमने जो काम किया है, सच में वो भुलाया जाने वाला नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तुम मेरे सबसे प्रिय सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हो, थैंक यू हमें प्राउड कराने के लिए, हमें घमंड कराने के लिए। दोस्तों, युवराज सिंह के बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने भी विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, एक लीजेंड की महान पारी, विराट कोहली ने जो काम किया है वैसा काम कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, दूसरे बल्लेबाजों के लिए तो ये आसान काम है ही नहीं। ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए विराट को ढेर सारी बधाइयां, उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें यहाँ पर बोल पाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली की महान पारी, जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया मुकाबला जीत गई और T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन गई। सूर्य कुमार यादव ने ऐतिहासिक कैच पकड़ा। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की महान पारी, उनके महान वर्ल्ड रिकॉर्ड पर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।